हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं कार इंश्योरेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी गाड़ी के लिए, लेकिन एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 90% लोग कार इंश्योरेंस लेते समय, रिन्यूअल करते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं। वो क्यों ध्यान नहीं देते हैं? आपने भी देखा होगा, जब भी इंश्योरेंस रिन्यूअल का टाइम आता है, आपके पास या तो मैसेज आएगा या आपके पास कॉल आएगी। उसके बाद आप कहते हैं, हाँ ठीक है, जब इंश्योरेंस रिन्यूअल का टाइम आएगा उससे एक दो दिन पहले हम करा लेंगे। फिर अर्जेंसी आ जाती है, क्योंकि आज या कल रिन्यूअल कराना होता है, ना तो हम ऑनलाइन कुछ देख पाते हैं ना ऑफलाइन देख पाते हैं, जो उन्होंने कोट कर दिया फटाफट हमने कराया और छुट्टी। फिर अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी क्लेम लेने की, तो हमें पता लगता है कि यार ये तो हमने गलत ले लिया। और अगर क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम गलत लेते ही चले जाते हैं, ज़्यादा पैसे देते चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से सही इंश्योरेंस लेना है अपनी गाड़ी का, और किस तरीके से आप एक अच्छा इंश्योरेंस ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस के टाइम पर देखना क्या है, एक तो आपकी हो गई IDV वैल्यू। IDV एक्चुअली बोल देते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपके व्हीकल की कितनी होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका व्हीकल पुराना होता जाता है ना, तो आपके व्हीकल की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। बहुत बार मैंने देखा है कुछ लोग थोड़े ज़्यादा शाणे बनने के चक्कर में क्या करते हैं, गाड़ी तो हो गई 5 साल पुरानी, उसकी IDV बढ़ा देते हैं। मतलब अगर उन्होंने 10 लाख एक शोरूम लिया था तो उसकी IDV कर देंगे 5 साल के बाद 9 लाख रुपये। उसका प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 10,000 रुपये बन रहा है, तो IDV बढ़ाकर वो 20,000 रुपये दे देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के, और सोचते हैं अब अगर हमारी गाड़ी चोरी हो गई या हमारी गाड़ी कुछ भी हो गया, टोटल लॉस में चली गई, तो हमें पूरे 9 लाख रुपये मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। IDV डिक्लेयर्ड होती है, जैसे जैसे आपका व्हीकल पुराना हो जाएगा वो डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। 5 साल पुराना व्हीकल लगभग 40-50% अपनी वैल्यू खो चुका होता है। मतलब 10 लाख का अगर 40% पकड़ कर चलते हैं तो 6 लाख ही उसकी वैल्यू है, बेशक आपने IDV 9 लाख रुपये ली है और बेशक आपने उसका प्रीमियम 9 लाख के हिसाब से दिया है। अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई तो आपको IDV 6 लाख ही मिलेगी, मतलब उस टाइम पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं ये, कोई कंपनी खुद से नहीं बनाती, उतना ही मिलेगा। और अगर आपने IDV कम कर ली, ठीक है, मान लेते हैं आप IDV 6 लाख ले सकते थे, प्रीमियम कम करने के लिए आपने IDV 4 लाख कर दी, आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, तो फिर आपको 4 ही मिलेगा, फिर आपको 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम मिनिमम के लिए दिया था। इस चीज़ पर काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, वो आप कीजिए। फिर जब आपका इंश्योरेंस का टाइम आए तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना चाहिए, 10-15 दिन पहले आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखना है कौन कम दे रहा है कौन ज़्यादा दे रहा है। कौन कम कौन देगा वो भी मैं बता दूंगा ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन आप जाकर शोरूम में भी पता कर सकते हैं। इसमें किसको ऑनलाइन लेना है किसको ऑफलाइन लेना है, इसके लिए डिटेल मैं बना चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर आप Tier 3 सिटीज़ से आते हैं या थोड़े छोटे कस्बे से आते हैं, तो बेटर रहेगा आपके लिए कि आप शोरूम से जाकर इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि अभी इन शहरों में क्या होता है ना कि आप ऑनलाइन ले लेते हैं तो उस पर्टिकुलर शोरूम में, उस पर्टिकुलर सर्विस स्टेशन में आपको कैशलेस बहुत बार नहीं मिलता है। अगर आपने शोरूम से इंश्योरेंस कराया तो आपको कैशलेस दे देते हैं, शोरूम से नहीं कराया तो आपको कैशलेस नहीं देते हैं, काफ़ी केस में मैंने देखा है। और कैशलेस नहीं देंगे, आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, आप कंपनी के पास जमा कराएंगे, वहाँ से पैसा आएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उस केस में आप करा सकते हैं डायरेक्ट शोरूम के थ्रू। और अगर आप बड़ी सिटी से हैं, Tier 2 Tier 3 से हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको बता देता हूँ, एको इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, पॉलिसी बाजार भी देखा है। एको को मैं क्यों आपको प्रेफर कर रहा हूँ, क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ना अपनी अलग से ही एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट डेवलप कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को उन्होंने नहीं लिया है बीच में कि आप उसके थ्रू हमारा इंश्योरेंस ले, उन्होंने अपना ही सब कुछ डेवलप कर रखा है। तो क्या होगा कि उनको किसी और को कमीशन नहीं देना है, वहाँ भी पैसे कम हो जाते हैं, फिर पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है। अगर आपको क्लेम सेटलमेंट करानी है, क्लेम लेना है, तो आप डायरेक्ट एको को ही कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी बाजार से एको का इंश्योरेंस लिया है तो आप पॉलिसी बाजार को कॉन्टैक्ट करेंगे, वो बोलेंगे आपने वहाँ से लिया है,
वो बोलेंगे आपने उनके थ्रू लिया है, तो उसमें ना फिर थोड़ा कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट एको से ले सकते हैं। वेबसाइट मैंने विजिट की है, काफ़ी अच्छी बना रखी है, काफ़ी सिंपल भी है, और इनके प्रीमियम मैंने देखा है ज़्यादातर केस में काफ़ी कम रहते हैं मुकाबले, अगर किसी और के मुकाबले देखा जाए। हालांकि अभी इनकी प्रेजेंस जो है बड़ी सिटीज़ में ही है, और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो सब ने बताया कि एको का इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा है अगर आप सब कुछ ठीक ठाक तरीके से ले लेते हैं। खुद ही आप क्लिक वगैरह कर सकते हैं पिक्चर, अगर छोटा मोटा कोई क्लेम है तो आपको क्लेम सेटलमेंट हो जाती है। मुझे एको काफ़ी अच्छा लगा, आप भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, वो भी आप देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का भी मैंने बता दिया कौन ले सकता है। एक और बड़ी बात इंश्योरेंस लेते वक्त जो हम गलती करते हैं, ये आखिरी पॉइंट है, बाकी तो बहुत सारे पॉइंट है, इसमें हम एक और मेन गलती क्या कर देते हैं कि अपना प्रीमियम देखते समय या जब हमने पॉलिसी पूरी ले ली है, हम फटाफट क्या करते हैं उसको क्लिक करते चले जाते हैं, ओके ठीक है, और उस केस में हमारा जो NCB है, नो क्लेम बोनस, वो बड़ी गड़बड़ कर देता है। उसमें लिखा होता है कि आपका NCB कितना था लास्ट टाइम का। हम ज़्यादा डिस्काउंट लेने के चक्कर में NCB ज़्यादा भर देते हैं। देखिए हमारा फ़ायदा कितना होता है, उससे 1000 या 2000 या 3000 रुपए का फ़ायदा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने NCB गलत कर दिया तो आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आप NCB जब भी भरेंगे ना, आप बिल्कुल ध्यान से कीजिए। और अगर आपने लास्ट ईयर कोई भी इंश्योरेंस लिया है तो आपका NCB जो है वो जीरो हो जाता है, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिए। आपने कोई क्लेम लिया है, नहीं लिया है, कोई विंडस्क्रीन वगैरह चेंज कराई है, कुछ भी है, अगर आपने क्लेम लिया है तो आप उसको जीरो करेंगे। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो वहाँ पर चार्ट आपको दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना NCB वहाँ पर डालिए। और अगर आपको नहीं पता कितना NCB आपका है तो आप वहाँ पर आई डोंट नो का ऑप्शन भी कर सकते हैं, वो फिर खुद से उठा लेंगे, उसमें हमारी गलती जो है वो कम हो जाती है। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड तो इंस्टा पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे पाऊँ। और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।